हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर्वा पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। जो कोड कर रहे हैं दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस में भी और जावा में भी। आज की जो प्रॉब्लम है हार्ड लेवल की अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको बिल्कुल। प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो तो सिंपल है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो अप्रोच है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक एरे गिवन होगा एन साइज का और एक इंटीजर गिवन होगा एम, ठीक है जी। हमें क्या करना है, सब एरे से बताने हैं टोटल कितने ऐसे हैं जिनका मीडियन एम हो, ठीक है। ये अपने पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और अगर मीडियन की बात करें तो जो ओड लेंथ का एरे होता है उसमें जो मिडल एलिमेंट होता है वही मिड होता है सॉर्ट करने के बाद। और अगर इवन लेंथ का हो तो सॉर्ट करने के बाद जो मिड के दो एलिमेंट होते हैं उसमें से लेफ्ट वाला हमारा मीडियन होता है, ठीक है जी। अब इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, उससे अपना क्वेश्चन समझ लेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो है 2 1 3 5 4, ठीक है। और एम अपने पास है 2, मतलब ऐसे टोटल सब एरे बताने हैं जिनका मीडियन 2 हो, ठीक है। टोटल सब एरे हमारे पास कितने बनेंगे, एक तो ये खुद ही होगा इसका मीडियन 2 है। एक अगर हम इसकी बात करें 2 1 3 को, आफ्टर सॉर्टिंग क्या बनेगा, 1 2 3 मिड एलिमेंट क्या है 2, एक सब एरे ये हो गया। तीसरे सब एरे की अगर हम अपनी बात करें तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 2 1 3 5, आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 5। अब लेंथ इवन है, मिड के दोनों एलिमेंट देखो उसमें से लेफ्ट वाला देखो वो क्या है 2, तो क्या हुआ इसका मीडियन 2। टोटल सब एरे कितने बने अपने पास, 3, ठीक है। ये सिर्फ हमें क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, अब आंसर कैसे निकलेगा ये चीज देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सब एरे इस एरे के कितने बनेंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 लेंथ के कितने सब एरे बनेंगे 5, हर एक एलिमेंट जो कि खुद होगा। 2 लेंथ के कितने बनेंगे, 1 2 3 4। 3 लेंथ के कितने बनेंगे, 1 2 3। ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल भी एक भी चीज स्किप ना करना, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। 3 लेंथ के बने 3, 4 लेंथ के कितने बनेंगे, 1, फिर ये 1 से लेकर 4 तक 2। सिमिलरली 5 लेंथ का एक बनेगा, ठीक है। टोटल सब एरे मेरे पास बने 15, ठीक है। और टोटल सब एरे कितने बने 15, 15 के 15 सब एरे का कोई ना कोई मीडियन होगा, ठीक है। वो जो कोई ना कोई मीडियन होगा वो किन में से होगा, वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। यही एलिमेंट है, इनमें से कोई ना कोई मीडियन आएगा हर एक सब एरे का, ठीक है जी। हमें किसके लिए निकालना है, 2 के लिए। अगर मेरे को 2 के लिए सब एरे ऐसे निकालने हैं जिनका मीडियन 2 हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जितने मेरे टोटल सब एरे हैं उसमें से अगर मैं अपने एलिमिनेट कर दूं कितने, जितने मेरे सब एरे का मीडियन 1 है, जितने का 3 है, जितने का 4 है, जितने का 5 है, ठीक है, जो कि मेरे पास आएंगे 12, 3 मेरा वहां से आंसर आएगा। अब ये मेरे को पता कैसे चलेगा कितने सब एरे ऐसे हैं जिनका मेरे पास जो मीडियन है वो 1 3 4 5 है, ठीक है, वो देखते हैं। ये सिर्फ हमने बेसिक इसका देखा अभी तक क्वेश्चन का। अगर मैं किसी तरह से निकाल लूं कि मेरे ऐसे सब एरे जिनका जो मीडियन है 2 3 4 5 है, ठीक है, अगर मैं किसी तरह से निकाल लूं तो मेरे 1 वाले तो एलिमिनेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद मैं क्या निकाल लूं, कितने सब एरे मेरे पास ऐसे हैं जिनका मीडियन 3 4 5 है, ये मेरे पास जितने आए, ये मेरे पास जितने आए, ठीक है, ये किसके आगे 3 4 5 के, अगर इसमें से मैं इसमें से ये वाले माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास सिर्फ यही नहीं बचेंगे। इसका आंसर मेरे पास आएगा 12, इसका आंसर मेरे पास आएगा 9, 12 माइनस 9 करके मेरे पास 3 आएगा जो मेरा आंसर होगा, ठीक है। वो मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरे पास 12 और 9 आएगा कैसे, ठीक है, वो चीज अभी करेंगे। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि इनका आंसर 12 और 9 आने वाला है, इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो वर्क करेगा। इसका मतलब मेरे को मेरा क्वेश्चन अब किस चीज में कन्वर्ट हुआ, मेरा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हुआ कि मेरे को सबसे पहले सब एरे ऐसे टोटल फाइंड करने हैं जिनका मीडियन 2 या 2 से ग्रेटर हो, उसके बाद मेरे को सब एरे से फाइंड करने हैं जिनका मीडियन 3 या 3 से ग्रेटर हो, क्योंकि जो मेरा 1 एलिमिनेट जो 2 से छोटे एलिमेंट होंगे वो सारे तो इस वाले केस में एलिमिनेट हो जाएंगे, जो 2 से बड़े एलिमेंट होंगे वो सारे इस केस में एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये सारे सब एरेज अपने माइनस कर देंगे।
तो ये चीज हमें समझ में आई। चलो जी और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई सा बैरे उठा लेता हूँ। मैंने सा बैरे उठा लिया 2-1। आफ्टर सॉर्टिंग मेरे पास ये सब बैरे बन गया 1-2। इसका मीडियन क्या है? 1। ये मीडियन 1 कैसे है? क्योंकि इसमें जो मेरे पास स्मॉल एलिमेंट है 2 से वो भी इक्वल है, और जो 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल एलिमेंट है वो भी इक्वल है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट 2 से कितने हैं? 1। 2 के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? 1। ठीक है, दोनों की रेशियो 1 है तो मेरा मीडियन क्या आया? 1। इसका मतलब अगर ऐसी कोई मेरी रेशियो होगी तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो, मेरा जो मीडियन आने वाला है वो 2 से स्मॉल आने वाला है। ठीक है, इतनी बात मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसा लूँ, कोई अरे ऐसा लूँ 1 2 3, इस केस में मेरा मीडियन क्या आएगा? 2। इसमें मेरे स्मॉल एलिमेंट वो कितने हैं? सिर्फ एक। इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? 2। तो यहाँ पर मेरे इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर हो जा रहे हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एलिमेंट, तो मेरा मीडियन क्या आ रहा है? 2। ठीक है, एक और सबरे लेके देख लेते हैं। एक सबरे मैं ले लेता हूँ 1 3 4 5। 2 मैं इसमें लिखता ही नहीं। ठीक है, 2 से स्मॉल एलिमेंट कितने हैं? 1। 2 से इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट कितने हैं? 3। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका मेरे पास है 3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी मैं सेम देख पा रहा हूँ। अगर मेरा इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर है स्मॉल एलिमेंट से, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 3 4 5 में से होगा। ये बात मेरे को समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर मेरे जो स्मॉल एलिमेंट वो ग्रेटर हो, या फिर स्मॉल और इक्वल और ग्रेटर एलिमेंट की रेशियो इक्वल हो, जो कि इस केस में थी, इस केस में थी, ठीक है, दोनों की रेशियो हमारे पास क्या थी? 1:1 थी। इस केस में हमारा आंसर 1 आया था, उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा? उस केस में मेरा आंसर आएगा जिसके लिए हम मीडियन निकालना चाह रहे हैं उससे स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब जो स्मॉल एलिमेंट वाला केस है वो तो हम यहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब जिस सबैरे में मेरा काउंट इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट का ग्रेटर होगा स्मॉल एलिमेंट से, उसमें मेरा आंसर इन सब में से आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं सबैरे फाइंड कर लूंगा। सिमिलरली फिर मैं 3 4 5 के लिए सबैरे फाइंड कर लूंगा, वहां से मेरा आंसर आएगा। अब ये फाइंड कैसे करने हैं? ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई कि किस तरह से हमने अपने आंसर को एलिमिनेट करना है। अब ये फाइंड कर देखते हैं। अब अगर मेरे पास ग्रेटर एलिमेंट आता है तो +1, स्मॉल आता है तो -1, जो इंडिकेट करेगा कि मेरा ग्रेटर है या स्मॉल है। अब 2 के केस में निकाल रहे हैं तो 2 के इक्वल या ग्रेटर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? अपना +1 करना है। ठीक है, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर है स्मॉल से? अगर मेरा सबैरे का सम ग्रेटर देन 0 हो, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर है स्मॉल एलिमेंट से, क्योंकि स्मॉल की वैल्यू मैंने -1 ली है, इक्वल या ग्रेटर की वैल्यू मैंने 1 ली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सबैरे की, ये मेरा एक आंसर में आएगा, और हाँ ये आंसर में भी है। अगर मैं बात करूं इस सबैरे की, ये मेरा आंसर में आएगा, क्योंकि ये आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 बनेगा, 2 इसका मीडियन आएगा, और इसका सम मेरे पास क्या आ रहा है? सम मेरे पास आ रहा है 2 -1, 1 मेरे पास सम आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरी कंप्यूटेशन है वो चल रही होगी। अब मेरा क्वेश्चन देखो आप, अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? इस पूरे एरे में से मेरे को सिर्फ ये फाइंड करना है कि कितने सबैरे ऐसे हैं जिनका सम ग्रेटर देन 0 है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, क्योंकि जो सबैरे का सम ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब उस सबैरे में इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर होंगे स्मॉल एलिमेंट से, और उस सबैरे का जो मीडियन आएगा 2 3 4 5 में से आएगा। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो 12 निकाल सकता हूँ मैं अपना आंसर। ठीक है, तो वो कैसे निकाल लूंगा मैं? अब मेरा जो एरे बन के आया था वो क्या बन के आया था? यहाँ से मेरा 12 कैसे निकलेगा? एक सबेरे ये, एक सबेरे ये, एक सबेरे ये, एक सबेरे ये, टोटल सबेरे 4। प्लस अगर मैं इससे लूँ एक सबेरे ये, एक सबेरे ये जिसका सम ग्रेटर देन 0 है, टोटल सबेरे 2। अगर मैं इससे लूँ एक सबेरे ये, एक ये, टोटल सबेरे 3। प्लस अगर मैं यहाँ से लूँ एक सबेरे ये, टोटल सबेरे 2। प्लस लास्ट में एक सबेरे ये, तो टोटल सम कितना आया? 11, 12, 12 मेरे पास आया। ठीक है, अब ये मेरा किसके लिए आया? जिनका मीडियन 2 3 4 5 हो, 2 या 2 से ग्रेटर हो। अब मेरे को क्या निकालना है? जिनका मीडियन
3 4 5 हो, और इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब जिनका मीडियन 3 4 5 हो, इसका मतलब जिनका मीडियन 3 या 3 से ग्रेटर हो, तो मैं क्या करूंगा, अरे कैसा था मेरे पास, 2 1 3 5 4 5, अब 3 या 3 से ग्रेटर वाले एलिमेंट देखने हैं, तो बाकी सारे एलिमेंटों की जगह -1 प्लेस कर दो, 3 या 3 से ग्रेटर एलिमेंट की जगह 1 प्लेस कर दो। अब यहाँ से अपने टोटल सबेरे काउंट करो, टोटल सबेरे जिनका सम ग्रेटर देन 0 बनता है। पहला सबेरे तो अपने पास ये बनेगा, दूसरा सबेरे ये यहाँ से 2 सबेरे बने, फिर ये कितने, 3 सबेरे बने, फिर ये 2 सबेरे बने, और फिर लास्ट में ये 1 सबेरे बना। तो ये कितना है, 3 6 7 8 9 यहाँ से आए, ठीक है। 12 मेरे पास यहाँ से आए थे, तो मेरे पास 12 -9 करके मेरे पास कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात मेरे को समझ में आई कि मेरा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, मेरे को सबेरे फाइंड करने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 1 बने बस। अब वो देखते हैं वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को अपना शॉर्टर शॉर्टर इजी करते जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से लेके चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। ये सीधा बता देता तो हो सकता है समझ भी ना आए, ये था, ठीक है। इसके लिए मेरा आंसर 12 कैसे आ रहा है। अब जो मेरा हर एक एलिमेंट है, वो आंसर में जो 12 आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या 0 कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ तक मेरा आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा यहाँ तक मेरा आंसर, ठीक है। एक ही सबेरे बनेगा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 1, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, आंसर तो मेरा यहाँ तक 1 ही रहेगा, लेकिन इसने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी, क्योंकि मेरे पास स्मॉलर एलिमेंट आया है। तो सब एरे मेरे जितना ये कंट्रीब्यूट यहाँ तक कर रहा था, अगला सेम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये लेस ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। लेस क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये स्मॉलर एलिमेंट है, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसके इक्वल या उससे ग्रेटर एलिमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरा सिर्फ 0, क्योंकि सम ही मेरा 0 बन रहा है, कोई सब ऐसा बनेगा ही नहीं इसको लेके। यहाँ सिर्फ इसकी बात करूँ, अगर मैं इतने पोर्शन की, कोई सब ऐसा बनेगा ही नहीं इसको लेके, इस -1 को लेके, जो जिसका मीडियन 2 3 4 5 आए, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे पास 0। अगर मैं इसको लूँ सिर्फ इतने सबेरे में, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो ये खुद सबेरे बनाएगा, साथ में एक ये होल जो सबेरे है इसका सम ग्रेटर देन 0 है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2। समझे मेरी बात को। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक, और इसको मेरे को हर एक सबेरे में लेना है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो खुद ये हो गया ग्रेटर देन 0 बना रहा है, एक ही इसके साथ मिलकर ग्रेटर देन 0 बना रहा है, एक ही इसके साथ मिलकर ग्रेटर देन 0 बना रहा है, एक ही कंप्लीट ग्रेटर देन 0 बना रहा है, मतलब टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको काट के मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 0 2, इसकी कंट्रीब्यूशन हुई 4, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 1 -1 1 1 1, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मेरे को लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, मतलब अरे मैं देख सकता हूँ, एक ही खुद बना, एक ही इसके साथ ग्रेटर देन 0 सम बना रहा है, इसके साथ ग्रेटर देन 0 सम बना रहा है, इसके साथ भी ग्रेटर देन 0 सम बना रहा है, क्योंकि +1 3 है, -1 1 ही है, इसके साथ भी ग्रेटर देन सम 0 बना रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हुई मेरे पास, इसकी 5। अगर मैं इसको अब देखूं, 1 2 3 7 5 आ रहा है मेरे पास 12, हर एक की कंट्रीब्यूशन निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैंने अपना क्वेश्चन इसमें रिड्यूस कर दिया, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मतलब हर एक की, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 5 कंट्रीब्यूशन मेरे को फाइंड करनी है। तो वो कंट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा सम 0 है, मैं क्या करूंगा, 0 के एंट्री 1 ले लूंगा अपने पास, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लिया है। जैसे मैं इस पे आऊंगा, मेरा सम इनिशियली क्या था, 0, 0 की वैल्यू मैं 1 ले चुका हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे ही आया, मेरे सम में क्या होगा, 1+ होगा, सम मेरा क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसकी कंट्रीब्यूशन, इनकी मैं कंट्रीब्यूशन जो मैंने पीछे निकाल ली थी वो मैं लिख लेता हूँ, 1 0 2 4 5, कुछ इस तरह की इनकी कंट्रीब्यूशन थी, मतलब इसके लिए यहाँ पर पहुंच के मेरा आंसर में 1 ऐड हो जाना चाहिए। 1 ऐड वो कहाँ से होगा, ये जो मैंने 0 की वैल्यू 1 ली है वो वहां से ऐड होगा, ठीक है। इसका मतलब सम मेरे पास 1 हुआ। अगर मेरे पास कोई, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, मतलब
प्लस का 1 मिलता है, तो मेरे को जो मेरा ये प्रीवियस सम था 0, इसकी जो वैल्यू 1 थी वो मेरे आंसर में ऐड, यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। ठीक है, 1 मेरा आंसर में ऐड हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 1। अगेन आया, मेरे को मिली नेगेटिव वैल्यू, सम मेरा बन गया 0। अब जैसे ही मेरा सम ये पहले 1 बना था ना, तो मैं 1 की एंट्री भी 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 0, साथ में मेरे पास क्या आया, नेगेटिव एलिमेंट आया। अब नेगेटिव एलिमेंट आया तो मेरे को मेरा कंट्रीब्यूशन अब तक कितना चल रहा था, 1 पिछले एलिमेंट का। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें लेसर एलिमेंट मिलता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो पिछले एलिमेंट का चल रहा था, अगले एलिमेंट को मिला के वो कंट्रीब्यूशन कम ही होगा। ठीक है, अगर वो कंट्रीब्यूशन कम होगा तो मतलब मेरा 1 में से कुछ, इसमें से कुछ माइनस होगा। ठीक है, इसमें से अब वो कुछ क्या माइनस होगा, इसका कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना था, 0। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना था, 0। इसके पिछले कंट्रीब्यूशन कितना था, 1, मतलब 1 में से मेरा कितना माइनस होगा, 1। सब मेरा कितना हो चुका है, 0। तो 0 की एंट्री मेरे पास क्या है, 1। अगर मैं इसकी एंट्री माइनस कर दूं इसमें से, तो मेरे पास 0 आ जाएगा, साथ के साथ मैं ये 0 आंसर में प्लस कर दूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे चला, सब मेरे पास क्या हुआ, अब सब मेरे पास 0 बन चुका था पीछे, तो इसकी एंट्री मेरे पास कर दी मैंने 2। ठीक है जी, अब मेरे पास सम क्या हुआ, यहाँ पर सम मेरे पास बन गया दोबारे से 1। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 2, तो पिछले का कंट्रीब्यूशन कितना था, 0। अब मेरे को पिछला तो नेगेटिव था, मतलब स्मॉलर एलिमेंट था, अगला एलिमेंट कैसा मिल रहा है, ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है, इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। पिछले का कंट्रीब्यूशन 0 था, तो अगले का कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, 2, वो 2 मेरा कैसा आ रहा है, 0 में 2 प्लस करके, और वो 2 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसका मतलब सम में क्या प्लस कर दो, सम मेरा 1 है, 1 माइनस, 1 में से 1 माइनस करके जो 0 की एंट्री है वो सम में प्लस कर दो। ठीक है जी, आगे चले, सम मेरा कितना हुआ, 2। अब 1 की एंट्री भी मेरे पास कितनी, 1 भी कितने बार आ चुका है, 2 बार। सम की एंट्री मेरे पास कितनी होगी, सम मेरे पास हुआ 2। अब कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा क्योंकि इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट मिला है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास इसका कितना था, 4। वो 4 कैसे आ रहा है, जो सम था 2, जैसे यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था, सम क्या था, 1, 1 माइनस 1, 0 की एंट्री जो 2 थी वो प्लस करी थी। अब सम क्या है, 2, तो 2 माइनस 1 जो 1 की एंट्री है वो भी 2 है, तो वो प्लस करेंगे हम इस 2 में, मेरे पास कितनी हो जाएगी एंट्री, इसकी 4। ठीक है, इसमें मैंने 2 भी प्लस कर दिया और 4 भी प्लस कर दिया अपने आंसर में, साथ में प्लस मैं क्या करूंगा, अगले पे आया, मेरा सम कितना हुआ, 3। अब सम 3 हुआ, 1 के केस में क्या करा था, 1 माइनस 1, 0 की एंट्री प्लस करी थी, 2 के केस में क्या करा था, 2 माइनस 1, ये 1 की एंट्री प्लस करी थी, और यहाँ पे जब 2 सम आया था उसकी एंट्री 1 भी हो जाएगी। 3 के केस में क्या करूंगा मैं, 3 माइनस 1, 2 की एंट्री प्लस करूंगा, 2 की एंट्री मेरे पास कितनी है, 1 एंट्री है, और मैं जब मैं 1 प्लस करूंगा तो 5 आएगा, यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 5, इसका सम कितना आ जाएगा, टोटल 12। ये मेरा किसका निकलेगा, 2 या 2 से ग्रेटर जो एलिमेंट है वो कितने सब एरेज का मीडियन बन रहे हैं। सिमिलर मैं किसके लिए निकालूंगा, 3 या 3 से ग्रेटर कितना का मीडियन बन रहा है, वो मेरे पास 9 आएगा, उसमें इसमें से मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास खाली किसका बचेगा, कि 2 मीडियन कितने सब एरेज का आ रहा है वो मेरे पास बच के आएगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इस ही चीज को कोड कर लेते हैं, तो मेरे पास 2 चीजें मैंने निकालनी है, तो मतलब एक ही काम मेरे को 2 बार करना है, तो बेटर होगा फंक्शन बना ले कोई। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं, ए में क्या ले लेंगे, ऐसे सब एरे, हेल्प नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ऐसे सब एरे जिनका मीडियन 2 या 2 से ग्रेटर हो, 2 या 2 से ग्रेटर हो। ठीक है, एक ले लेते हैं बी, ऐसे सब एरे जिनका मीडियन 3 या 3 से ग्रेटर हो। यहाँ मैंने 3 पास कराए, एम में 2 आया था, 2 प्लस 1 करके एक 3 पास कर दिया, लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, ए माइनस बी। अब मेन पंगा इस हेल्प फंक्शन को लिखना। ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या बताया, जो मेरे पास ग्रेटर एलिमेंट है, अभी एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ना, उसके बाद बताता हूँ आपको, हल्का से लिख लेते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा हेल्प फंक्शन, इसमें क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास आ रहा है, एक मेरे पास आ रहा है वेक्टर ऑफ इंट ए, ए डबल आर कर लेते हैं इसको, आसान बन जाएगा क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है हमें, यहाँ पे एक आ रहा है एम। ठीक है जी,
अब सबसे पहले मेरे को क्या लेना था, अब सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, ये मैं क्या ले रहा था, 0 मेरे पास कितनी बार बन चुका है, 1 कितनी बार बन चुका है, 2 कितनी बार बन चुका है, तो उसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ, एक मैप ले सकता हूँ कि मेरी कौन सी एंट्री कितनी बार आ चुकी है, उसके लिए मैं अन ऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा था, 0 की एंट्री 1 कर दी थी, ठीक है वो काम कर लेता हूँ, 0 की एंट्री 1 कर दी, ठीक है। और एक मेरे को लेके चलना अपना सम, ठीक है जी, ये सम ले लेते हैं, एक जो मेरा आंसर होगा, ठीक है जी, उसको करंटली 0 ले लेते हैं, और जो करंट एलिमेंट है उसका क्या आंसर होगा, जैसे मेरे पास आ रहा था 1 0 2 4 5, तो करंट एलिमेंट का जो आंसर होगा वो मेरे पास ले लेते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है, अभी उसको 0 ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हमें फोर लूप लगानी है सिंपल, हर एक एलिमेंट का आंसर निकालना है, ठीक है जी। अब अगर मेरा एलिमेंट ग्रेटर है या मेरा एलिमेंट लेस है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इक्वल वाला ऑप्शन हो सकता है, अगर मेरा एलिमेंट इफ एरे ऑफ आई लेस देन आता है एम के, या फिर मेरा एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटर या इक्वल होगा, अब ये दोनों केस बनते हैं, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, हमारा 3 5 4, सबसे पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, एल्स वाली कंडीशन हमारी चल रही होगी, तो इसमें मेरे को इसको क्या कंसीडर करना है, 1, इसको -1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, सम कितना है, 0, 0 की एंट्री कितनी है, 1, इसका इनका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 0 2 4 5, सब कुछ लिखते चल रहा हूँ साथ साथ, सम 0 है, अब ये 1 मिला तो सम में 1 ऐड करोगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लो, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, जो कि क्या है, जितना सम है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, करंट एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, वो आएगा मैप में जो भी सम की वैल्यू पड़ी है वो, उसके बाद सम को एक इंक्रीमेंट कर दो जी, ठीक है, और हर बार सम की एंट्री मैप में कर दो, इतनी बात समझ में आई, और जो जिस एलिमेंट का जितना कंट्रीब्यूशन है वो भी आंसर में प्लस कर दो। ये हुआ मेरा किसके लिए, जो मेरे पास इक्वल या ग्रेटर एलिमेंट है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले करंट एलिमेंट की एंट्री 1 हो जाएगी, साथ में आंसर में 1 प्लस हो जाएगा, और सम फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, सम मेरे पास 1 हो जाएगा, 1 की एंट्री मेरे पास 1 हो जाएगी, नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा मेरे को 2 से स्मॉलर, इसको मेरे को कंसिडर करना है -1, इस केस में मेरी क्या चलेगी, इफ वाली कंडीशन चलेगी, अब उसमें मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 0, कंट्रीब्यूशन मतलब लेस होगी, कंट्रीब्यूशन लेस होगी तो करंट एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन पिछले वाले एलिमेंट से तो लेस होगी, तो उसमें से माइनस क्या होगा, माइनस सम क्या चल रहा है, 1, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, 1, 1 में से, इस 1 में से 1 माइनस हो गया, हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब जो मेरे पास सम चल रहा है पहले उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, पहले उसमें से 1 माइनस कर दो, फिर उसकी एंट्री जो सम में जो मैप में है वो माइनस कर दो, ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया जी। लास्ट में क्या कर दो अपना रिटर्न आंसर, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले 1 एंट्री आई, इसकी 1 एंट्री देख ली, फिर इसकी 0 एंट्री आ गई, अगला ग्रेटर जैसे ही मिलेगा एल्स कंडीशन चल जाएगी, करंट एलिमेंट में मेरी वैल्यू कितनी थी, जो पिछले एलिमेंट की थी 0, ठीक है, और साथ ही मेरा 0 सम कितनी बार बन चुका था, 0 सम मेरा 2 बार भी बन चुका था, क्योंकि एस जैसे -1 आएगा सम मेरा क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो में मेरा ये 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस 0 में 2 ऐड हो जाएगा, तो अगले की कंट्रीब्यूशन 2 आ जाएगी, और सम में भी आंसर में भी मेरा 2 ऐड हो जाएगा, इसी तरह से फिर आंसर में 4 ऐड हो जाएगा, फिर 5 ऐड हो जाएगा, आंसर मेरा क्या आएगा यहाँ से 12, ठीक है, इस वाली पहले वाली ए में मेरे पास 12 आएगा, बी में मेरे पास 9 आएगा। अगर मैं आपको एक बार प्रिंट करा के दिखाऊं, देख लेते हैं कुछ क्या आप तक गलती भी ना हो, ठीक है जी, तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, चला के देखते हैं इसको एक बार पहले, तो प्रिंट करके कुछ गलती ना आ रही हो यार, देखो पहला 12 दूसरा 9, ठीक है, समझे आप, जो पूरा ड्राई रन आपको समझाया वही सेम आया है, अब क्या करते हैं इसको
जो हमने प्रिंट करा इसको तो हटा दो, जो रिटर्न करा वो ठीक है, हमारा 3 रिटर्न होना चाहिए, 3 रिटर्न हो रहा है, इसको क्या करते हैं सबमिट करके देखते हैं, कोई गलती आएगी तो उसको भी देख लेंगे, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती आई है अपनी, गलती ये है हमें लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रख लेते हैं, यहाँ प्रिंट नहीं चलेगा, लॉन्ग लॉन्ग में आंसर है ना, तो उसको लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करेंगे। लो जी इसको करते हैं सबमिट, बढ़िया भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं जावा में, ठीक है, जावा में हल्के बहुत चेंजेस होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरे चेंजेस हो रहे होंगे। तो क्या करते हैं जावा में जाते हैं, पूरा कोड लिखेंगे जावा का भी, क्योंकि चेंजेस होंगे उसमें। सबसे पहले लॉन्ग ए ले लेते हैं, जिसमें मेरा क्या आएगा, लेस ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, टू से, तो हेल्प फंक्शन कॉल कर देंगे यहाँ से, इसमें एन ए एम पास कर देंगे, ठीक है। सिमिलर बी बना लेंगे, एक काम करते हैं इसको पहले फुल मोड पे कर लेते हैं, इसको ऑन, सिमिलर बी बना लेंगे, हेल्प एन ए कोमा एम प्लस वन, रिटर्न ए माइनस बी, यहाँ पे आते हैं हेल्प फंक्शन बना लेते हैं, हेल्प फंक्शन बना लिया, उसमें आ रहा है एक एन स्मॉल ले लेते हैं, आसान पड़ेगा लिखने में, एक एरे आ रहा है, साथ में एक एम आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ जावा में दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये माने आने वाली है वहां पे हमने यूज करा था अनऑर्डर्ड मैप, आप यहाँ पे हैश मैप यूज करोगे ना, मैंने करके देखा था जब मैं जावा का कोड अपना लिख रहा था, सबमिट करके देखा था मैंने एक बार, तो मेरा आ गया था भाई टीएलई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंपल एरे यूज करा, जो आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने नहीं करा क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड से चल गया था, इजी पड़ा था काम, इसलिए मैंने अनऑर्डर्ड से कर दिया था, ठीक है, इसमें सिंपल एरे से करेंगे। तो सिंपल एरे में एक चीज जो बदल सकती है, मैं सम क्या लेता था, जीरो, ठीक है, सिंपल एरे में मैंने जीरो की एंट्री वन कर दी, इतनी बात समझ में आई। मान लेते हैं मेरा पहला एलिमेंट ही लेस आ गया, पहला एलिमेंट लेस आ गया तो सम माइनस करोगे आप -1, क्या आप सिंपल एरे में -1 की एंट्री वन कर पाओगे, जी नहीं, इंडेक्स ही मेरा जीरो से शुरू होता है, मैप में तो आप कर दोगे, मैप तो अपने आप उठा लेगा, लेकिन सिंपल एरे में तो जैसे ही आप नेगेटिव में चले जाओगे ना, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आपके पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं एन एलिमेंट, मान के चलते ऐसा हो सकता है एन का एलिमेंट -1 हो, तो मेरे पास मैक्सिमम जो सम नेगेटिव में जा सकता है वो कितना जा सकता है -n, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सम को जीरो ना लेके सम को लूंगा n, ताकि मेरा जो मैक्सिमम सम जो मेरा -n जा रहा है वो जाने के बाद भी मेरा सम मिनिमम जीरो ही बने, इंडेक्स भी मेरा मिनिमम जीरो ही होता है, इसलिए मैं सम को बस जीरो की जगह एन लूंगा, और कोई मेरे ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सम क्या कर रहा हूँ, देखो सम को मैं ले रहा हूँ ना, अब मेरा जो मैक्सिमम जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, इसमें सारे 1 हो सकते हैं, 2n तक मैक्सिमम जा सकता है, 0 तक मिनिमम, तो मेरा साइज कितना लेना पड़ेगा, मेरे को 2n लेना साइज लेना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो एरे बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक mm नाम से ही बना लेते हैं, न्यू इंट करके, ठीक है, इसका साइज बना लेते हैं 2×n+1, जीरो बेस इंडेक्सिंग के कारण +1 भी ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, एक हमें लेना था अपना लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पर एक ही लॉन्ग आएगा, एक तो आंसर लेना था, एक करंट एलिमेंट की वैल्यू जीरो लेनी थी, ठीक है, और एक mm में जीरो की वैल्यू को प्लस प्लस करना था, और सबसे पहले इसको फिल भी तो करना है सारे एलिमेंटों को जीरो से, मैप अनऑर्डर्ड मैप में तो अपने आप जीरो से फिल हो जाते हैं, ठीक है जी। एरे डॉट फिल किसको, mm को जीरो से फिल कर दो जी। उसके बाद क्या करो, सिंपल फॉर लूप वही काम करेंगे, लो जी वो काम कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, अगर एरे ऑफ आई लेस देन एम आता है या फिर इक्वल या ग्रेटर आता है, लेस देन आता है तो पहले सब में से सम को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सम भी ले लेते हैं अपना, सम यहाँ पे एन लेंगे जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया, फिर क्या कर दो, करंट एलिमेंट में से माइनस इक्वल कर दो एम एम ऑफ सम, और यहाँ पे क्या करो,
करंट एलिमेंट में प्लस इक्वल कर दो एम एम ऑफ सम, सम को क्या कर दो प्लस प्लस कर दो, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर में प्लस इक्वल टू करना है करंट टी एल ई एम, करंट एलिमेंट की जो भी कंट्रीब्यूशन है, और एरे में जो सम है उसकी एंट्री भी, वो मतलब दोबारा एग्जिस्ट कर चुका है, पहली बार एग्जिस्ट कर चुका है, उसकी एंट्री प्लस प्लस कर दो, लास्ट में इटर कर दो आंसर, ठीक है जी। इसको चला के देखते हैं एक बार, अपना जावा कोड है ये, ठीक जीरो आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ गलत है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जीरो इसलिए आ रहा है, यहाँ पर तो मैंने सम एन ले लिया लेकिन एंट्री जीरो की प्लस कर दी, तो एंट्री होगी सम जो भी मारा है एन, वहां पर सम हमने जीरो लिया था इसलिए जीरो की करी थी, यहाँ पर सम हमने एन लिया तो एन की करेंगे, ठीक है सही आ रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं इसको भी एक बार, सबमिट हो गया गाइज। आई होप गाइज आपको अप्रोच समझ में आएगी, कोड भी समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।